हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जालौन नगर परिषद की बैठक में हंगामा, पार्षदों के बीच जोरदार जुबानी जंग। जालौन नगर परिषद की बैठक बुधवार को हंगामेदार रही। जोरदार हंगामे के बीच पक्ष और विपक्षी पार्षदों के बीच जुबानी जंग हुई। विपक्ष के पार्षद जब एक बिंदु पर बात कर रहे थे तो एक भाजपा पार्षद ने कहा कि ये वाहियात बात कर रहे हैं, हमें तो विकास चाहिए। बुधवार को नगर परिषद की बैठक हुई। बैठक में एक बार जोरदार हंगामा हुआ, इससे बैठक का काफी समय तो यूं ही चला गया। विकास नियुक्ति और नियम पेंडिंग बिल पास करने को लेकर भी चर्चा हुई। विधायक जोगेश्वर गर्ग, सभापति गोविंद टांग, आयुक्त महिपाल सिंह, उप सभापति अम्बालाल व्यास, मिश्रीमल गहलोत, पार्षद बसंत सुतार, रजाक खान, लक्ष्मण सिंह सांखला, दिनेश महावर, राजेंद्र टाक, राजेंद्र सोलंकी, नंदू सोनी, भरत सुतार, निर्मा कवर, मनीषा गहलोत, दिनेश बारोट, महेश भट्ट, विगेश माली, मदन राज जैन, सुशीला भादरू, अफसाना बानू समेत सभी पार्षद मौजूद थे। बैठक की शुरुआत में कुछ पार्षदों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। कांग्रेस पार्षदों ने आरोप लगाया कि विधायक भी बीजेपी और बोर्ड भी बीजेपी का होने के बावजूद शहर का विकास नहीं हुआ। शहर में सफाई व्यवस्था बदहाल है, सड़कें टूटी हुई हैं। वहीं बीजेपी पार्षदों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार होने के बावजूद विपक्ष बैठक नहीं होने दे रहा था और जब आज बैठक हुई तो हंगामा शुरू कर दिया गया है। नगर परिषद में जिन कर्मचारियों का स्थायीकरण नहीं हुआ था उन्हें स्थायी करने पर सहमति हुई। इसी प्रकार स्टेट ग्रांट के तहत जिन्हें पट्टे दिए गए थे उनको बैंक की ओर से लोन नहीं दिया जा रहा था, ऐसे में परिषद की ओर से उन्हें NOC देने पर चर्चा हुई। इसी प्रकार शहर में कचरा संग्रहण के लिए 5 नए रिक्शा खरीदने व नाला सफाई के लिए JCB हुड समेत ट्रैक्टर खरीदने का प्रस्ताव हुआ। शहर में कई वार्डों में LED लाइटें लगाने वाली कंपनी का बिल बकाया था। पूर्व बोर्ड में तत्कालीन सभापति ने 2 बार आपत्ति लगाई थी जिस पर निदेशालय की ओर से जाँच की गयी। बोर्ड बिल का भुगतान करने से पहले संबंधित वार्ड पार्षद समेत 5 जनों की कमेटी जांच कर निर्णय करेगी। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से तरुण गहलोत की रिपोर्ट।